वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट जो आपने देखा होगा उसके अंदर हमने डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा मार्ट्स के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। इस सेशन के अंदर हम एक और टूल को समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये एक टूल का नाम है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का नाम है, बिल्कुल वैसे जैसे MS Access के एप्लीकेशन है, बिल्कुल वैसे जैसे कि Oracle कोई एप्लीकेशन है आप खरीद सकते हैं मार्केट से। इसी तरह OLAP एप्लीकेशन भी मौजूद होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। आपका जी चाहता है तो आप अपना डेटा MS Office, MS Access के अंदर स्टोर करें, Excel के अंदर स्टोर करें, Oracle के अंदर स्टोर करें, या आप अपना डेटा OLAP प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर करें। अच्छा, OLAP के अंदर और किसी दूसरे डेटा बेस के अंदर स्टोर करने से क्या फ़र्क होता है? OLAP एक्चुअली यूज़ होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये डेटा को क्यूब की सूरत में स्टोर कर सकता है, ऐसा डेटा जिसके अंदर बहुत सारी डायमेंशन हों। जैसे कि यहाँ पर देखें कि हमारे प्रोडक्ट की हमारी जो डेटा है उसकी कुछ डायमेंशन दिखाई जा रही है। प्रोडक्ट है, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स का डेटा स्टोर हुआ हुआ है। आप हर एक डायमेंशन को देखेंगे तो आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, दूसरी डायमेंशन में रीजन के हिसाब से डेटा स्टोर हुआ है कि ईस्ट रीजन में कितना डेटा है, वेस्ट रीजन में, सेंट्रल रीजन में, और एक्चुअल और प्रोजेक्टेड। यानी कभी कभार होता है ना कि कंपनी का कुछ टारगेट होता है और कुछ एक्चुअल उसकी सेल हुई होती है, वो कंपैरिजन करना चाहते हैं कि हमारा टारगेट कितना था और हमने एक्चुअली अचीव कितना किया। तो वैसे आम डेटाबेस के अंदर ये तीन अलग अलग टेबल्स हो सकती थी, लेकिन क्यूब व्यू के अंदर या OLAP व्यू के अंदर ये फ़ायदा होता है कि आप थ्री डायमेंशनल या इवन मल्टीपल डायमेंशनल डेटा को एक ही साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा को स्टोर करने का एक और अच्छा तरीका होता है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा एनालिटिकल व्यू मिलता है, ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं और आपको ज़्यादा इंसाइट्स मिलती हैं अपने डेटा के बारे में। ठीक है, एग्जांपल्स से कुछ समझने की कोशिश करते हैं OLAP को। शायद मुझे लगता है कि इतनी छोटी डिस्कशन से आपको बात समझ नहीं आई होगी, तो हम OLAP की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। OLAP एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ठीक है, ये देखिए कि इसमें मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर डेटा स्टोर होता है। क्या दिखाऊँ आपको जिससे कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको क्लियर हो जाए मेरी बात? चलेंगे देखते हैं, ये एग्जांपल होपफुली आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रही होगी। अच्छा, MS Access के अंदर इसी तरह से टेबल बनती हैं। आप लोग अगर MS Access को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उसके ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि ये सिंपल पांच टेबल्स बनाई गई हैं। एक टेबल का नाम है डेट, एक टेबल का नाम है प्रोडक्ट, एक टेबल का नाम है सेल्स, कस्टमर और स्टोर। ठीक है, डेट के अंदर डिफरेंट तरह की डेट्स, यानी कि फुल डेट भी हो सकती है, सिर्फ ईयर भी हो सकता है, मंथ, स्टोर, ये सारी टेबल्स अगर मैं आपसे कहूँगी आप बना लें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेल्स की टेबल जो आप बीच में देख रहे हैं इसको इम्पोर्टेंट ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर भी प्राइमरी की मौजूद है हर चारों टेबल के अंदर, एक एक कस्टमर की भी कोई प्राइमरी की होगी, आप हर कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर की भी कोई प्राइमरी की होगी, आप हर स्टोर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट की एक प्राइमरी की है, आप किसी भी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डेट्स की भी प्राइमरी की है, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर डेट को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिन की भी बात कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो सेल देखने के कई तरीके हैं। यानी आप देख सकते हैं, मैं चाहूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि मेरी किसी भी एक प्रोडक्ट को कौन से कस्टमर ने ख़रीदा। मैं ये चाहूँ तो ये देख सकती हूँ कि किसी तारीख, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को मेरी कितनी सेल हुई। ठीक है, एक कस्टमर जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, भाई उसने मेरी कितनी प्रोडक्ट्स खरीदी। ठीक है, स्टोर कोई आइकॉन डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उस पर हमारी क्या सेल की प्रोग्रेस रही। या मैं किसी प्रोडक्ट की बात कर सकती हूँ कि हमारा जो ये डालडा कुकिंग ऑयल है ये कितना बिका या कितना नहीं बिका। तो ये चाहूँ तो मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक साथ देखना चाहूँ सारी इन्फॉर्मेशन, मैं एक वक्त में एक टेबल तो एक ही देख सकती हूँ ना। अगर आप MS Access को इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते होंगे कि एक वक्त में अगर मैंने ये टेबल खोली है तो ये बंद हो जाएगी, ये टेबल खोली है तो ये बंद हो जाएगी, एक वक्त में मुझे एक ही टेबल नज़र आ सकती है। लेकिन OLAP का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको क्यूब की शक्ल में, मल्टी डायमेंशनल वे में, क्यूब वे में आपको डेटा को विजुअलाइज करके दिखाता है और आप डेटा के बारे में अच्छी ज़्यादा इंसाइट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेल्स की इन्फॉर्मेशन, रीजन्स की इन्फॉर्मेशन, टाइम की इन्फॉर्मेशन, तो ये आप थ्री डायमेंशनल जो व्यू है वो एक साथ देख सकते हैं
और फिर डेटा के बारे में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो बनती इसमें एक्चुअली टेबल नहीं है, रिलेशनल डेटाबेस का ही एक एडवांस वर्जन है ओला। लेकिन फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर टेबल्स आपको रिप्रेजेंट नहीं की जाती। आम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपको जब व्यू नज़र आता है तो वो टेबल्स की सूरत में व्यू नज़र आता है, लेकिन जब आप ओलैप के अंदर देखते हैं तो आपको क्यूब्स की सूरत में व्यू नज़र आता है। आप इस क्यूब को एक्चुअली, मेरे पास तो अभी टूल अवेलेबल नहीं है ओलैप का कि आपको मार्केट से परचेज करना पड़ता है, लेकिन अगर टूल अवेलेबल हो तो आप इस क्यूब को घुमा के किसी भी साइड से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे से, जिस कॉम्पोनेंट को आप ऊपर करके देखना चाहें। तो आप डेटा को अच्छे तरीके से उसके साथ प्ले कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं। तो ये इस टूल का नाम है ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अच्छा, जब भी हम ओलैप की बात करते हैं कभी कभार स्टूडेंट मिक्स कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही दो मिलती जुलती टर्म्स आपको इंटरनेट पर बुक्स के अंदर मिलेंगी। एक टर्म है OLTP और एक टर्म है ओलैपी, ठीक है। ओलैप भी एक टर्म है, OLAP, और एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं OLTP। आपकी जो लॉर्डन वाली बुक है, लकीली उसके अंदर OLTP जैसा कोई वर्ड मौजूद नहीं है, और आप कहेंगे कि कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन आप कभी भी इंटरनेट पर सर्च कर लें या किसी भी दूसरी MIS की और डेटाबेस से, बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड बुक देखेंगे तो आपको ये दोनों टर्म्स नेक टू नेक चलती हुई मिलेंगी। आपको ओलैप भी उतनी ही मिलेगी और OLTP भी मिलेगी। OLTP लॉर्डन की बुक में इसलिए डिस्कस नहीं हुई क्योंकि ये बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल नहीं है, इसका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, डिसीजन मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। OLTP एक ऐसी एप्लीकेशन होती है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में मदद करती है, यानी कि यूँ समझे कि अगर मैं ATM का बात करूँ तो ATM मशीन क्या है, ये भी एक OLTP टूल है कि जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा हो और मल्टी डायमेंशनल डेटा हो और आपका जो है वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। जब मैं ATM मशीन के थ्रू अमाउंट कुछ डिडक्ट करती हूँ, लेट सपोज मेरा सखर के किसी एक ब्रांच में मेरा अकाउंट है ना, अगर मेरा UBL में या कोई अकाउंट है या अलाइड बैंक में कोई अकाउंट है तो वो मैंने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाकर खुलवाया होगा। देखिए, मैं कराची में हो सकती हूँ, इस्लामाबाद में हो सकती हूँ, क्वेटा में हो सकती हूँ, पेशावर में हो सकती हूँ, कहीं पर भी मैं एक ATM मशीन को इस्तेमाल करते हुए जब मैं अपनी अमाउंट विड्रॉ करती हूँ, उस ट्रांजेक्शन की बुनियाद पर एक टेबल अपडेट नहीं होती, पता नहीं कितनी टेबल्स अपडेट हो रही होंगी। उस बैंक की ओवरऑल कोई टेबल अपडेट हो रही होगी, उस ATM के अंदर मौजूद कुछ टेबल्स अपडेट हो रही होंगी, सखर में जो मेरा बैंक है उस वहाँ पर कुछ टेबल्स अपडेट हो रही होंगी, मेरे अपने अकाउंट की जो मेरी अपनी कस्टमर की टेबल बनी होगी वो अपडेट हो रही होगी। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से कई टेबल्स के अंदर चेंज आ रहा होता है। एक आम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कभी कभार इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती है, जो आम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहते हुए काम कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब जगह पर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सके और एक वक्त में सब जगह ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हो। तो OLTP वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी भी वक्त भी 24 घंटे में नेटवर्क से कनेक्टेड होते हुए, इंटरनेट या इंटरनेट के जैसा कोई दूसरा नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए आपको, या क्लाउड सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने की इजाज़त दे। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन टिकट जो आप बुक कराते हैं, ठीक है, रूम बुक करवाते किसी होटल के अंदर, या इवन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो करते हैं, जूम की मीटिंग वगैरह आप लोग अटेंड कर रहे होंगे, तो ये सब क्या है, ये OLTP की एग्जांपल है क्योंकि ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो पा रही है ऑनलाइन। तो ये OLTP बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, MIS की डेफिनेटली एग्जांपल है। मुझे बहुत दुख भी है कि आपकी लॉर्डन की बुक में पता नहीं क्यों नहीं डिस्कस हुआ, तो मैं तो आपको चाहूँगी कि आप OLTP के बारे में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आप कभी भी पूरी लाइफ में इन दोनों टर्म्स को मिक्सअप ना करें कि OLTP क्या चीज़ होती है और OLAP क्या चीज़ होती है। OLAP सिंपल एक टूल है, सॉफ्टवेयर टूल, जो कि डेटा को मल्टी डायमेंशनल व्यू में रिप्रेजेंट करता है और रिपोर्ट जनरेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस का ये टूल है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ चीज़ अभी भी आपको क्लियर नहीं है, कोई सवाल है इस हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले सेशन में आप हमारी मुलाकात होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ।